अति महीनावर विश्व स्वामी किशोर कुमार कुजूर और कलाधार प्रांत के गडरिया फादर फ्रांसिस फादर वर्जिल सिस्टर सुपीरियर प्रिसिला तथा हमार पारिश के विभिन्न संस्था मन के हेडमन अगवामन और सब आया बाप भाई बहन और सब छोटे बड़े छुआ पुतावन सब मन के आज इस सेवक फादर मरियन जेलाजेक एस विरी के प्रतिमूर्ति के स्थापना समारोह में मैं पारिश की ओर से स्वागत कहन और इसके के हमार विश्व स्वामी के स्वागत करते हुए हमारे जोर से एक साथ ताली बजाओ। देखान इस सेवक के बारे में शब्द हमारे सुना सिस्टर अनिमा के द्वारा। इस सेवक मरियन सेलाजक का जन्म 30 जनवरी सन 1918 को पोलैंड देश में हुआ था। सन 1937 में उन्होंने दिव्य शब्द संघ यानी एसवीडी धर्म समाज में प्रवेश किया। सन 1948 में उन्होंने अपना आजीवन व्रत धारण किया एवं पुरोहित बने। जब वे पुरोहित बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे तब उनके जीवन में एक महासंकट आ खड़ा हुआ। द्वितीय महा विश्व युद्ध के कारण उनका प्रशिक्षण रुक गया। युद्ध के दौरान नाजी सरकार पुरोहितों धर्मबंधुओं और ख्रिस्त विश्वासियों को बंदी बनाकर जेल में डाल रही थी। फादर मरियन जेलाजक को भी अन्य सेमिनरियों के ब्रदरगण के साथ इसका शिकार होना पड़ा। उन्हें जर्मनी के डाखाओ नामक जेल में डाल दिया गया। जेल में दुर्व्यवहार एवं सतावट के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। फादर मरियन जेलाजक 5 साल तक बंदी गृह में रहे, पर ईश्वर की योजना फादर मरियन के लिए कुछ और ही था। अतः भी 21 मई 1950 में मिशनरी बनकर भारत आए। सर्वप्रथम वे बॉयज हाई स्कूल हमीरपुर में हेडमास्टर का कार्यभार संभाला, साथ ही साथ माइनर सेमिनरी के संचालक भी रहे। उन्होंने राउरकेला धर्म प्रांत की स्कूल सेक्रेटरी रहकर बहुत बड़ा योगदान दिया। सन 1968 में उन्होंने बोंडामुंडा पारिश की शुरुआत की और 1968 से लेकर 1975 तक लोगों की सेवा की। वे अति लोकप्रिय थे, इसलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम किए, विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई। केवल गिरजा का कार्यभार उन्होंने नहीं संभाला, परंतु रोगियों एवं गरीबों की सेवा बड़ी लगनता से की। लोगों को शिक्षा का महत्व समझाकर उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया। उनकी एक बहुत बड़ी क्षमता थी, वाटर डिवाइनिंग, जो पानी का स्रोत ढूंढना। इसके द्वारा वे लोगों को सही जगह पर कुएं खोदने में मदद करते थे। उनके जीवन एवं कार्य से प्रेरणा पाकर कई गैर ख्रिस्तियों ने ख्रिस्त जीवन को अपनाया। सन 1975 में वे पूरी के पल्ली पुरोहित बने। वहां रहकर फादर मरियन का दिल कुछ रोगियों के प्रति पिघल गया एवं उनकी सेवा के लिए वे तत्पर हो गए। गरीबों की सेवा एवं कुछ रोगियों की सेवा करके उन्होंने सबके साथ अच्छा संबंध बनाए रखा और सभी पूरी वासियों का दिल जीत लिया। यहां तक कि वे जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के दोस्त बन गए। फादर मरियन कुछ रोगियों के रहने के लिए घर बनवाए एवं उनके इलाज के लिए करुणालय नामक स्वास्थ्य केंद्र खोला। वहां वे स्वयं कुछ रोगियों का इलाज एवं अन्य डॉक्टरों के साथ खुद इलाज करते थे। उन्होंने स्वयं सहयोग प्रोजेक्ट का आयोजन कर
कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए स्कूल भी खोला। वे अंतिम सांस तक कुष्ठ रोगियों की सेवा की। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी वे स्वयं गाड़ी लेकर अपने एक कुष्ठ रोगी मित्र के घर प्रोग्राम में भाग लिए थे और इस प्रकार उनका निधन 30 अप्रैल 2006 में हो गया। उस समय उनकी आयु 88 वर्ष थी। 25 अगस्त 2018 में उन्हें ईश सेवक घोषित किया गया और तब से उन्हें संत की उपाधि हेतु धन्य घोषणा की प्रक्रिया शुरू की गई। ईश सेवक मरियन जलाजक हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यह उचित है कि आज का दिन इसका उद्घाटन करते हुए प्रभु के हाथ में और एक बार सौंप देंगे, जिसे प्रभु के द्वारा हम लोगों के लिए भेजे गए थे। आज प्रभु उनके द्वारा हमको अपने पास बुलाती। ये हमारे लिए हर समय एक यादगारी, न केवल ईश्वर की मिशनारी उपस्थिति हमारे लिए आशीष, कृपा और पवित्रता का चिन्ह होगा। प्रभु आप सबों को आशीष देंगे। सभी को एक साथ ताली बजाएं। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब कृपा और स्रोत के सत्य के स्रोत, हम तेरे सेवक शिविर कांग पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने इस सेवक फादर मरियन जलाजे की प्रतिमा रची है। ऐसी कृपा कर कि हम उनकी मध्यस्थता अनुभव करें, जो क्रीस्त का मित्र और सह उत्तराधिकारी बनकर सुसमाचार जीवन का ज्वलन साक्षी और तेरे समक्ष यशस्वी मध्यस्था है। हम प्रार्थना करें कि ये पारिस में फादर मरियन जलाजे की समाधि हर समय किया जाए, उनके द्वारा ईश्वर उनकी प्रार्थना सुने, उन्हें उनकी हम अनुसरण करने के लिए हम परिवार में उनकी प्रतिमा और प्रार्थना को करते रहें, जिससे कि जो मिशनारी परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भेजे थे, सर्वप्रथम हमारे धन प्रांत में उनकी विशेष कृपा द्वारा हम सहायता पाते रहें और उनकी पवित्रता जीवन हमें और मिशनरी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायता दे। ईश्वर इस प्रतिमूर्ति को आशीष देने की कृपा कर, इसमें ईश्वर की उपस्थिति दर्ज दे, पवित्रता इसमें छाया रहे और ईश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ये स्थान वही हम सबों को याद दिलाए कि जो मिशनारी बनकर हम लोगों के पास सुसमाचार प्रचार करने आई थी, वही सुसमाचार का साक्ष इस जगह से फादर मरियन जैन के प्रतिमूर्ति के द्वारा फैलती जाए। जो यहाँ आएंगे उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जो उनके द्वारा प्रार्थना करेंगे वो सहायता पा सकेंगे, जो उनके द्वारा ईश्वर से सहायता मांगेंगे वे ईश्वर का सुरक्षण अनुभव करेंगे, जो भिन्न भिन्न प्रकार की रोगों से पीड़ित होंगी वे उनकी उपस्थिति के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सकेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन।
Thank you.